अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम में खेले गए सदै मुश्ताक अली ट्रॉफी के फाइनल में तमिलनाडु ने बड़ौदा को 7 विकेट से शिकस्त दी है। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी बड़ौदा की टीम ने 20 ओवर में 9 विकेट पर 120 रन बना सकी। जवाब में तमिलनाडु की टीम ने 18 ओवर में 3 विकेट गंवाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। ये तमिलनाडु का दूसरी बार खिताब पर राज है। इससे पहले उन्होंने 14 साल पहले 2006-07 में सदै मुश्ताक अली ट्रॉफी पे अपना नाम किया था। वहीं बड़ौदा 2011-12 में 2013-14 में ये ट्रॉफी जीत चुका है। पहले बल्लेबाजी करते हुए बड़ौदा की शुरुआत बेहद ही खराब रही। टीम ने 36 रन पर 6 विकेट गंवा दिए थे। टीम के 6 बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू सके। कप्तान केदार देवधर 16 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद विष्णु सोलंकी और अतीत सेठ ने 7वें विकेट के लिए 58 रन की पार्टनरशिप की। 121 रन का टारगेट का पीछा करने उतरी तमिलनाडु की शुरुआत अच्छी नहीं रही। एएन जगदीश कुछ खास नहीं कर सके और 14 रन बनाकर पवेलियन लौटे। इसके बाद हरी निशांत और बाबा अपराजित ने दूसरे विकेट के लिए 51 रन की पार्टनरशिप की। निशांत 38 बॉल पर 35 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद अपराजित ने कप्तान दिनेश कार्तिक के साथ मिलकर तीसरे विकेट के लिए 34 रन की साझेदारी कर टीम को जीत तक पहुंचाया।